हेलो दोस्तों, और आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि नीट की जो एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ में होने वाली है और करीबन 16 लाख से 17 लाख लोग उसको देने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में एग्ज़ाम को कराना, कोरोना वायरस की सिचुएशन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कंटीजियस नेचर का है, मतलब कि छूने से फैलता है। तो इस सिचुएशन में एग्ज़ाम कराना, वो भी पेपर पेन वाला एग्ज़ाम कराना जिसमें कि बच्चे को पेन पेपर पे एग्ज़ाम देना है, तो बहुत ही ज़्यादा एक रिस्क वाला काम है। तो इसी के रिगार्डिंग जो एचआरडी मिनिस्टर जो है हमारे, जो रमेश पोखरियाल निशांत जो जी है, इन्होंने आज लाइव सेशन करा था ट्विटर पे और फेसबुक पे, और इन्होंने इसी विषय के रिगार्डिंग जो है लाइव सेशन करा था, और इन्होंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे बच्चों के कि एक्चुअल में एग्ज़ाम कैसे होने वाला है और क्या जो डेट है वो पोस्टपोन हो सकती है और किस तरह से हमको तैयारी रखनी है अपनी, और तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहिए। तो इन्होंने ये बताया है कि किसी भी तरह से आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होगा, क्योंकि जो लॉकडाउन है और जिस तरह से लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, तो इन्होंने ये बताया है कि सरकार की एक स्ट्रेटजी बनी हुई है, एक तरीका, एक उनके काम करने का तरीका बना हुआ है जिसके तहत वो जो है काम करेंगे, और आगे जाके आपको किसी भी तरह का लॉकडाउन एक्सटेंशन शायद देखने ना मिले, क्योंकि जो है केसेस हमेशा कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और उन्होंने ये बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके जो एग्ज़ाम होगा आगे, और सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर ये बताया उन्होंने कि हर बच्चे के बीच में 3 3 मीटर की जो है स्पेस रखेंगे जिसके कारण जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पाए। और उन्होंने बताया कि ड्रेस कोड जो है वो भी चेंज हो सकता है, और उसका जो डिटेल्स है वो भी शेयर हो जाएगा एनटीए की वेबसाइट पे, NTA.NIC पे जो है शेयर हो जाएगा। और जो ये ड्रेस कोड जो होगा वो कंफर्टेबल होगा हर किसी को, और हो सकता है कि उसमें मास्क इंक्लूडेड हो। तो ये सारी अनाउंसमेंट उन्होंने करी है। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि जो सेंटर्स थे, जैसे कि 3,000 सेंटर थे पहले एग्ज़ाम देने के, तब उसे बढ़ा करके 6,000 कर दिया गया है। और उन्होंने एक और बात बताई है कि जो गरीब स्टूडेंट्स है तो उसके लिए काफ़ी सारे जो ऑनलाइन कोर्सेस चल रहे हैं सरकार की तरफ से, स्वयं ऐप जो है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं ऐप में काफ़ी सारे कोर्सेस हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के आईआईटी प्रोफेसर भी पढ़ा रहे हैं, आईआईटी के ग्रेजुएट जो है और जो आईआईटी में प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वो सारे वीडियोज़ भी टीवी पे ब्रॉडकास्ट होते हैं, MHRD के जो चैनल्स आते हैं आप वो देख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो गरीब छात्र है, गरीब वर्ग के छात्र है, उनके लिए भी पूरा सपोर्ट जो है गवर्नमेंट कर रही है। और उन्होंने बताया कि किसी भी तरह से आप जो है सुविधा ले सकते हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो फिर आप टीवी पे भी पढ़ सकते हैं, टीवी पे काफ़ी सारे चैनल्स ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं जिस पर आप लाइव क्लास ले सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम जो है सोशल डिस्टेंसिंग करके फॉलो होगा, क्योंकि देखिए 16 लाख जो लोग हैं उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी आएंगे, और जो उनके गार्जियंस हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने बच्चों के भविष्य और उनके स्वास्थ्य को लेके। तो उन्होंने कहा है कि ये बातें वो समझ सकते हैं। और मैंने आज अपने चैनल पे जो मिनिस्टर लाइव आए थे, तो वो लाइव मैं अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट भी कर रहा था, तो अगर आप लाइव आए हो तो आपने देखा होगा ये सब न्यूज़ जो है आ रही थी उस पर। तो खुद वो बता रहे थे कि जिस तरह से स्कूल्स और कॉलेजेस हैं ये दोनों भी धीरे धीरे खोलने की जो है स्कीम बना रहे, तो धीरे धीरे जो लॉकडाउन है और हमको अब नॉर्मल जो है लाइफ जीने का मौका वापस मिलने वाला है, तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए और अब जो अपना एग्ज़ाम है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करिए। और एग्ज़ाम जो है जुलाई में होगा और बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं होने वाला एग्ज़ाम, ये आप 100% मान के चलिए। और आई होप कि अब NTA और खुद मिनिस्टर साहब ने आके कह दिया है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। तो आप यही तैयारी करिए कि आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाली है। ऑलरेडी आपको काफ़ी सारा एक्सटेंशन मिल चुका है, जो एग्ज़ाम मई में होना था वो अब जुलाई में हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन आपको मिल चुका है। तो मैं यही आशा करता हूँ आपसे कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, और इस वीडियो को पूरा आपने यहाँ तक देखा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम नीट से रिलेटेड रोज़ जो है अपडेट डालते हैं, जो भी अपडेट आता है वो सारे अपडेट हम डालते हैं हमारे चैनल पे। तो थैंक यू वेरी मच।